हे कृष्णा, आप सभी धर्म प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित भज गोविंदम से एक और श्लोक सुनाना चाहूंगा, जिसे जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप सब ये सोचते हैं कि हर कोई मेरा सम्मान करे, हर कोई मेरा रिस्पेक्ट करे, यही मेरी जीवन का लक्ष्य है। हर कोई यही चाहता है कि मेरा कोई सम्मान करे। लोग इतना अथक प्रयास क्यों करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट करें, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आदि शंकराचार्य जी उस बात को थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, तो आइए आज जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बोलते हैं, यावत वित्तो उपार्जन शक्ता स्तावत निज परिवार ओ रक्ता पश्चा जीवति जर्जर देहे वार्ता कौन अपि पृष्यति गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते सन प्राप्ते सन निहिते काले नहीं नहीं रक्षित डुक्रिम कर। बोलते हैं, यावत वित्तो उपार्जन सकता, जब तक आप, यावत वित्तो, वित्त का होता धन, यावत वित्तो उपार्जन, जब तक आप धन को उपार्जन, जब तक आप धन कमा पाते हैं, यावत वित्तो उपार्जन सकता स्थावर निज परिवार ओ रखता, तब तक आपके सगे संबंधी या आपका परिवार, आपका समाज आपको बहुत ही प्रेम करेगा कि आप कैसे हैं, सब ठीक है ना। लेकिन जब आपके यहाँ पैसे होते हैं ना, तो लोग आपसे सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ जाते हैं। असलियत में आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, सिर्फ आपके धन से लोग प्रेम करते हैं। इसीलिए संबंध बनाते हैं कि जब हमें धन की आवश्यकता हो तो इस व्यक्ति से धन ले सकते हैं। कहते हैं, यावत वित्तो उपार्जन सकता स्थावर निज परिवार ओ रखता पश्चा जीवति जर्जर देहे वार्ता कौन अभी पृष्यति गेहे। अब रियलिटी सुनो, क्या बोलते हैं कि पश्चा जीवति जर्जर देहे, जर्जर देहे कि मतलब ये शरीर जो है जब जर्जर हो जाए, जब बूढ़ी हो जाए, जब वो धन कमाने योग्य ना हो जाए, जैसे कि जब मैं रिटायर्ड क्यों होते हैं ना, रिटायर्ड मतलब लोग अपने कार्य सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। सेवा से निवृत्त क्या मतलब, ये होता है कि अब आप बूढ़े हो चले हो और आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, अगर आप किसी काम लायक रह नहीं गए, ये लो थोड़े से पैसे और यहाँ से चलते बनो। और जब शरीर बूढ़ा हो जाए, जब धन नहीं कमा पाते हैं, वार्ता को नपि पृष्यति गेहे, फिर वही लोग जो हमें हमारे पीछे पीछे भागते थे, अब वही लोग हमको दूर से देखकर ही अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। ये रियलिटी है, कोई भी, जब तक आपके पास धन है तभी तक लोग आपका सम्मान रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत कड़वी सच्चाई है। और जैसे ही आपका शरीर, आप धन कमाना बंद कर दीजिए, आपका ना परिवार, ना आपका समाज, यहां तक कि आपकी स्वयं की पत्नी भी आपका सहयोग नहीं करेगी। हर कोई, ये बात सुनने में लगती है बुरी, लेकिन यह है सच्चाई। तो आप ये जानिए, तो ये एक कोई मार्ग नहीं है सच्चा सुख प्राप्त करने का। सच्चा प्रेम चाहिए तो बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मते, हे मूर्ख, हमें कह रहे हैं कि हे मन, जो सोचता है कि ये यहां वहां से सुख मिलेगा, ये सुख नहीं मिलेगा तेरे को, तेरे को सिर्फ भगवान गोविंद, जो गौओं की सेवा करने वाले हैं गोविंद, उनका भजन कर, उनकी भक्ति कर, तो ही तुझे सच्चा सुख मिलेगा, वरना तुझे सुख संसार में नहीं मिलने वाला, ये निश्चित है। ये कोई कई सुनाई बातें नहीं है, और ये रियलिटी है। और आप सब लोग भी देखते ही होंगे समाज में, आप सब लोगों ने खुद ने भी अनुभव किया होगा किसी और के जीवन से। तो ये शिक्षा है कि हम सभी को इस आयु में ही, कम आयु में ही बात को समझकर अपने जीवन को सही दिशा देनी चाहिए, सही मार्ग पे लगना चाहिए, जिससे हम खुश हो सके, हमारा समाज, हमारा संस्कृति, हमारा धर्म और हमारा ये देश आगे बढ़े, यही हमें
इसके लिए प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।